आने लग गए, कह रहे भाई पहले लाएंगे। ओ परजान भाई, अबे भाई घर समझ लिया हो क्या? बिल्कुल साबुन वाबुन सब कुछ लेके आए थे क्या पहले से भाई? शैम्पू लेकर आया भाई, शैम्पू। कह रहे भाई मेरी बाइक में शैम्पू लगा है भाई। सारे यहाँ पे बैठे हुए फरजान भाई भारी बैठे हुए, वो कह रहे भाई हम मैं नहीं आ रहा अंदर, वो नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे बैठ गए 5 मिनट के लिए, मैंने फिर चलते हैं यहाँ से। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, दिस राइडर साहब इन द हाउस, वी आर बैक न्यू वीडियो के साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फेवरेट डायलॉग। और आज हम जा रहे हैं पहले कलियर शरीफ, उसके बाद जाएंगे मसूरी, तो ब्लॉग देखते रहिए। बहुत दिनों बाद में ट्रिप पे निकला हूँ क्योंकि मेरा दिल था, थोड़े पैसों की भी दिक्कत थी, तो डोंट माइंड। तो हे गाइस कैसे हो आप सब, कमेंट में जरूर बताना, और पूरा ब्लॉग देखना, इस ब्लॉग में तो बहुत मज़ा आने वाला है, इन्जॉय करने वाले हो आप। और एक बार मैं आपको बाइक चेक कराया था और बदे चेक कराया था हूँ, तो दिस इज़ आप जानते हो दानिश राइड डेल राइडर को और अश्मीर भाई और अपने तुम्हारे क्या बोलते हैं लाडला भाई की बाइक आमिर भाई की, और ये आप इसको जानते हो तो ये डार्लिंग है, मोहब्बत आपकी पहली मोहब्बत। तो वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है, बातें लंबी नहीं करूँगा ना छोटी करूँगा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, मतलब सॉरी नेक्स्ट वीडियो में नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट जगह, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये भाई पहली बार आए, जानते नहीं राइडर्स आपको, कोई बात नहीं, ये अंकल मेरे फ़ैन है, कई साल से पैदा हुए हैं, तो आप देख सकते हो पेट्रोल पंप पे खड़े हैं और अब हम निकल रहे हैं राइड के लिए। तो मिलते हैं आगे आपसे खाने के टाइम, बीच की वीडियो नहीं दिखाऊंगा मैं, बाय बाय। छोटे हरिद्वार से जो रास्ता जा रहा है गंगा के साथ, हम उस रास्ते पर थे तो हमें लगा थोड़ा नाश्ता करने लंच चाहिए, तो हम इस ढाबे पर रुके हैं, ठीक है। और मैं अपना फ़ोन माउंट भूल चुका हूँ जो हेलमेट पे लगाते हैं, तो ये अपनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ठीक है, ये हमने टाइम से लगा दी हैं और यहाँ आ चुके हैं, और अब ऑर्डर हम देने जा रहे हैं, क्या क्या लाना है, क्या क्या खाना है, ठीक है। देख सकते हो आप माहौल बन चुका है लाडला भाई, इतने चुप क्यों बैठे हो भाई? भाई मैं सोच रहा हूँ मैं 6 बिस्किट खा के आया था, यहाँ पे क्या खाऊंगा? अच्छा यहाँ पे क्या खाए, ये सोच रहे हैं मतलब भाई एक-एक पीस खाए थे ना भाई? चलो हाँ भाई हम तो क्या खाए थे, आधे आधे खाए थे सच से। तो गाइस चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं जब खाना आता है। दानिश भाई बोकल आए हुए हैं, इनको पता ही नहीं क्या करना है। अश्मीर भाई हाल इंतजार करने के बाद आ चुकी है चाय एंड पकौड़ी, चेक करिए इससे तो हम चल रहे भाई, सोने की चैन बढ़ा रहा है। तो छुटवा दी ब्रेड की, चाय का टेस्ट बिरयानी की बताएंगे, चाय में भी फुल पैसा वसूल, अपने हाथ से खिलाऊंगा, 40 मिलवाऊंगा। चुका अपना नाश्ता फाइनल और अब हम निकल रहे हैं आगे के लिए, तो ये देख सकते हो आप एल्यूमिनियम जगह पे तैयार है, तो निकलते हैं मिलते हैं आपसे आगे, बाय बाय। हो गया था पंचर, अब पंचर ठीक कराया मैंने, और मम्मी की कॉल आ गई थी इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाया। तो अब हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरनगर, बच्चों आए करो। तो ये छोटे छोटे बच्चे बेचारे बहुत मेहनती लड़के हैं, और अब निकल रहे हैं हम रुड़की की तरफ, मुजफ्फरनगर पहुँच चुके हैं, बाइकें खड़ी हैं अपनी, आधे बंदे वहाँ खड़े हैं, मैं भी थोड़ा हाथ मुँह धो लूँ, तो मिलते हैं आपसे आगे। तो पंचर होने के बाद हम रुके हैं यहाँ पे, एक प्यारी सी जगह है, और आमिर भाई आगे निकल गए। तो गाइस देखो कितनी हरियाली, कितनी अच्छी जगह है, मतलब कितना प्यारा लग रहा है, और यहाँ पे नहर भी है जैसा कि आप देख सकते हो, नहर भी है, तो मतलब कितना ही प्यारा व्यू है और कितना अच्छा लग रहा है, ये तो आप देख सकते हो। तो गाइस मैंने आपको फिर बताया था कि मैं माउंट जो है मैं घर पर भूल चुका हूँ, इस चक्कर में मैं हेलमेट में नहीं लगा सकता फ़ोन, आई नो के मतलब आपको लग रहा होगा भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, लेकिन गाइस समझो मेरी भी कुछ मजबूरी है, और थोड़ा सा मेरा मन बहुत था मसूरी आने का, तो थोड़ा सा मन भी अजीब सा हो रहा है मेरा घर से दूर जाके, बिकॉज मम्मी पापा के भी मन नहीं लगता, खास करके मम्मी। तो थोड़ी देर में मिलूँगा मैं आपसे, आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा मेरा ब्लॉग, जो कि लगता ही, आई नो आप सब मुझे बहुत प्यार देते हो, थैंक यू। तो गाइस चलते चलते लग चुकी थी प्यास, और मुझे याद आया गन्ना मुजफ्फरनगर का, तो गन्ने के जूस पे रुक चुके हैं ये ब्लॉगर दानिश इन द हाउस। इस गन्ने का जूस आने वाला है, फिक्र मत करिए आप।
बच्चे यहाँ पे नहाने लग गए, कह रहे भाई पहले नहाएंगे। ओ परजान भाई, अब भाई घर समझ ले हो क्या? बिल्कुल साबुन वाबुन सब कुछ लेके आए थे क्या पहले से भाई? शैम्पू लेकर आया भाई, शैम्पू। कह रहे भाई मेरी बाइक में शैम्पू रखा है, निकाल के ला के दे दो। और इस नहर में थोड़ी देर पहले हम नहाए थे, तो गाइस बहाव बहुत तेज है। अगर आप यहाँ पे आओ तो नहाने की बिल्कुल कोशिश मत करना, और नहाओ तो जंजीर से नहाना। बाकी यहाँ पे शोर बहुत है और काफी चिल्ड पानी था, और वो खड़ी अपनी बाइक, और अब हम जा रहे हैं दरगाह शरीफ में, ठीक है? उसके बाद आके खाना खाएंगे, फिर हम मसूरी के लिए निकलेंगे। तो गाइस ये आप देख सकते हो, यहाँ के मौसम भी कुछ वेदर बहुत प्यारा हो रखा है। ठंड ठंड भी लग रही है हल्की हल्की, बहुत बहुत सी ठंड लग रही है मुझे। ये खड़े अपनी पूरी टीम जो कि नहा धो के तैयार है। अब ये देखिए आप, मिलते हैं आपसे आगे, बने रहिए वीडियो में। दानिश भाई का नया तरीका जैकेट और बैग संभालने का, एक बार पीछे पलटो सर। अरे हट गरीब, तू फुटेज लेने आया था। ये देखिए आप, ये नया तरीका है भाई का। हाय, ये गरीब वीडियो में आया था भाई, सारे यहाँ पे बैठे हुए फरजान भाई भारी बैठे हुए। वो कह रहे भाई मैं नहीं आ रहा अंदर, वो नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे बैठ गए 5 मिनट के लिए, मैंने फिर चलते हैं यहाँ से।